टीकमगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कमान संभाली है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बगास माता मंदिर पहुंची, जहां माता का आशीर्वाद लेकर सिविल लाइन स्थित निवास पर पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पत्रकारों से चर्चा की है। टीकमगढ़ जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी के साथ टीकमगढ़ विधानसभा के ग्रामों में पहुंचकर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी के साथ बगाज माता मंदिर पहुंचकर दर्शन कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं को दशहरा की शुभकामना देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। साथ ही सिविल लाइन स्थित निवास पर पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। रात में अपने गांव की दुर्गा देवी के दर्शन कर लूँगी, कल राम राजा सरकार के दर्शन कर दूर मैं चली जाऊंगी हिमालय, फिर मैं धनतेरस को लौटूँ, मतलब 8 तारीख को लौटूँ। दीदी, मध्य प्रदेश की राजनीति विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आपकी क्या भूमिका है और अभी चुनाव प्रचार में? मेरी भूमिका के बारे में मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी शिवराज सिंह जी को दी, उनके पास मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो मेरी जो भूमिका चुनाव में करती है मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी भूमिका चुनाव में वो एक अफवाह थी और बहुत शरारत षड्यंत्र था वो बहुत बड़ा, ये शरारत शुरू करना कि मैं मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ सकती हूँ विधानसभा का। जो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग सब लोग मेरे साथ मिनिस्टर थे मेरे मंत्रिमंडल में जब मैं मुख्यमंत्री थी, तो मुझे वो ड्यूटी परेड में थोड़ी ना शामिल होना, लेकिन वो जानबूझ कर मुझे नीचा दिखाने के लिए वो एक अफवाह फैलाई गई थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने उसका मेरा मीडिया में बहुत साथ भी दिया और उस बात को पीछे दिखा भी दिया और छाप भी दिया, ये शरारतपूर्ण अफवाह है और इससे सबको सावधान रहना चाहिए। टीकमगढ़ के टिकट को लेके तमाम विरोध हो रहे हैं, लोग बगावत कर रहे हैं और ऐसे में आरोप आप पे भी लगाए जा रहे हैं कि आपने सर्वे के विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल इसलिए नहीं आए हैं, हम किसी को मनाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ पब्लिक को मनाते हैं, पब्लिक को भगवान मानते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं ये हमेशा से उनकी प्रवृत्ति रही, बस मुझे महाराज के लिए जरूर दुख हुआ, तिवारी जी को मैं महाराज कहती हूँ, राजेंद्र तिवारी जी को, वो वास्तव में मेरे कहने पर कांग्रेस छोड़ के आई थी और पठा का जो मंदिर था जिसकी मूर्तियाँ चोरी हुई थी तो बड़ी मुश्किल से वापस मिल पाई थी, हमको उन मूर्तियों की स्थापना के लिए मैंने उनको कहा कि आप करिए, तो उन्होंने वो कार्य भी किया और बहुत अच्छे ढंग से उसको किया, लेकिन महाराज को पता नहीं क्या सूझा, उनका लड़का भी युवा मोर्चे का प्रदेश का इतना बड़ा महामंत्री था युवा मोर्चे का, तो अचानक महाराज को कुछ सूझा और वो कांग्रेस के जो वर्तमान प्रत्याशी उनके घर पर ही जाके बैठ गए, अभी जो पिछला चुनाव हुआ है स्थानीय निकायों का, और आप लोगों ने उसको दिखा दिया। अब उसके बाद में जो पार्टी के प्रति बिल्कुल ही निष्ठा ना रखता हो तो फिर पार्टी तो उसको उसका साथ नहीं दे सकती, तो महाराज को तो आत्मचिंतन करना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से अगर महाराज को टिकट की बात होती तो मैं अपनी तरफ से पूरा समर्थन। महाराज का कहना है सर्वे में उनका पहला स्थान था, अब लेकिन निष्ठा में भी पहला स्थान होना चाहिए पार्टी के प्रति निष्ठा में, और जो दूसरे वाले सज्जन हैं उनका तो स्वभाव ही है, पिछले समय टिकट नहीं मिला था तब भी उन्होंने गाली गलौज बहुत की थी, भाजपा के नेताओं पर आरोप लगा दिए थे, और ये वो लोग हैं खाली खास करके दूसरे वाले सज्जन जो पुराने कार्यकर्ता हैं और दूसरों को उपदेश देते रहे पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने का, तो इसलिए मैं तो जो भी ऐसे समय पर पार्टी छोड़ते हैं ना, मैं इसको ये मानती हूँ कि ये लोग इस योग्य ही नहीं थे कि ये राजनीति करते, खास करके बीजेपी की राजनीति करते, आप पहले छोड़िए ना विचारधारा की किसी टकराव पर छोड़िए, किसी न्याय नीति या किसी सिद्धांत के लिए छोड़िए, आपको अपनी पसंद की जगह नहीं मिली और इसलिए आपने छोड़ दिया, वो तो कारण नहीं हो सकता, मैंने कभी नहीं छोड़ा, मुझे तो निकाला गया था पार्टी से, मैं तो मना कर रही थी। इस बार सभी जगह दीदी ऐसे विरोध देखा जा रहा है, प्रतिपुर में जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो शांत बैठे हैं, निवाड़ी में आपके पार्टी के लोग कांग्रेस में चले गए हैं। जो कार्यकर्ता शांत होकर के बैठे हैं वो तो बाद में काम करने लग जाते हैं, जब उनके मन में उठता है ना कि अब सब लोग निकल पड़े हैं तो फिर वो भी निकल पड़ते हैं,
बाकी जो छोड़ के आना जाना करते हैं उनका मूल्य घट जाता है ऐसे समय पे छोड़ने। क्या लगता है इस बार आपको क्या रहेगा चुनाव में एमपी में? वो हमारी सरकार बनेगी इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं है। कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं? जब हम 230 सीटों पर लड़ रहे हैं तो हम कैसे कह देंगे इसमें से एक भी हारेंगे? हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना। किस उम्मीदवार का आकलन हम कम कर दें बताइए? हमारे लिए 230 उम्मीदवार यही वो जीते गए विजेता ही होंगे, हम तो यही मानेंगे। पार्टी के लिए क्या पार्टी में विरोध ज्यादा है ना आपसे, जैसे टिकट बंटवारे को लेकर आरोप तरह लग रहा है, इससे कतरघात होगा? ये एक सांस्कृतिक परिवर्तन है जो पार्टी में नहीं है परिवारों में है। पति पत्नी के संबंध वैसे नहीं है, माता पिता के अपने बच्चों के संबंध वैसे नहीं है, मोहल्ला पड़ोस के साथ आपके संबंध वैसे नहीं है, भाई बहन के साथ एक सांस्कृतिक परिवर्तन है। लेकिन पार्टी की विचारधारा के प्रति मूल निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या भी करोड़ों में। आपको क्या लगता है मत पकड़ी अभी सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है, इसलिए मैं यदि तो लगाऊंगी ही नहीं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो हमको स्वीकार्य होगा। राजेंद्र तिवारी अगर चुनाव लड़ते हैं सपा से तो उसका नुकसान किसको होगा? उन्हीं को। आप इन लोगों को पार्टी के हित में मनाने का प्रयास करेंगे क्या? ना, अपना ये काम ही नहीं है। मनाना है बीडी शर्मा का काम, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन के मुखिया हैं, और हितानंद जी जो है वो संगठन के संगठन मंत्री हैं, ये उनका काम। दीदी मध्य प्रदेश आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 में आप लोकसभा चुनाव फिर से एक बार? नहीं, मुझे शिवराज जी ने मध्य प्रदेश से लड़ने के लिए कहा था, वो इस बात को ही 2 साल हो गए। दीदी आपकी बार तो मध्य प्रदेश से लड़ी है, मैंने कहा था नहीं आपकी बार पार्टी से मैं निवेदन करने वाली हूँ कि किसी तीसरे राज्य से लड़ा है। मैंने इसके अलावा भी तय किया है संपादकों के आपके सबको सूचना दी थी भैया अब अच्छा नहीं लगता मेरे द्वारा अपने बारे में बोलना, अब पार्टी से पूछिए, मेरे से जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछिए अब आप सवाल। मेरे बोलने का टर्न पूरा हो गया 2 साल पहले। दीदी लगातार टीकमगढ़ जिले में सामान्य वर्ग की, आप जब कहोगे मैं तभी कहूँगी कि ठीक है। दीदी टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में लगातार सामान्य वर्ग की उपेक्षा की जा रही है तो इससे अब पार्टी को नहीं लगता नुकसान होगा? सामान्य वर्ग मतलब मेरे को इसकी व्याख्या करो, सामान्य वर्ग मतलब लगभग 50-60 सालों से किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, इसके अलावा जैन समाज केवल अन्य समाज, गोयल जी तो अभी कुछ ही साल पहले तक तो विधायक थे यहीं से टीकमगढ़ से, भाजपा ने 50-60 साल से कोई टिकट नहीं दिया ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों की बहुत याद में, ब्राह्मण तो चारों युगों से अपना प्रभुत्व उनका कम नहीं कोई कर सकता क्योंकि बिना बुद्धि के संसार नहीं चलता भैया, बुद्धि से ही हाथ पांव चलते हैं, बुद्धि से ही आदमी को दिखाई देगा लेकिन समझ में नहीं आएगा अगर बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि है जो समझाए बुद्धि है, सुनाई देगा तो ये समझ में नहीं आएगा क्या बोला है अगर बुद्धि नहीं होगी तो, जो सबसे विशिष्ट तत्व है आत्मा के बाद वो बुद्धि है, इसलिए परमात्मा के बाद ब्राह्मणों का ही स्थान है सृष्टि में, उनका प्रभुत्व कभी कम नहीं हो सकता। खुद आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है आप बताओ मेरे को? बसपा उत्तर प्रदेश में उनका नारा क्या था जो मुझे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।